वहीं बरेली को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए करीब 47 प्रस्ताव बनाए गए हैं। इससे शहर की तस्वीर ही बदल जाएगी। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ेंगी, पर्यटकों के लिए शहर को आकर्षक बनाया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा, तो वहीं आवारा मवेशियों से छुटकारा मिलेगा। वहीं इसको लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। गंदगी साफ होना चाहिए, नेट बनना चाहिए सही में, पानी में टंकियों का आ भी दिया नहीं भी आ गया, गंदा पानी आ गया, हर चीज की यहाँ परेशानी है, गंदे तक की परेशानी है, लगा लगे तो कंट्रोल से कम केवल धनराशि का बंदरबांट के साथ साथ दुरुपयोग टोटल करना स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी में पहले सबसे पहले मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। अब आप गांधी उद्यान से लेकर और डेला पीठ तक सारे खंभे बदल रहे हैं और वो खंभे लगा रहे हैं डेकोरेटिव जो लगे हैं स्टेशन रोड पर, जो हमने 2 साल पहले 3 साल पहले 28,000 रुपए में खंभा लगा था, आज वो खंभा यहाँ 70,000 रुपए में लग रहा है। तो एक तो इस तरह से होगा तो पैसा बर्बाद होना है, शहर में कुछ चीज दिखाई देगी या उसका कोई उपयोग होगा मैं नहीं समझता। इसमें हमारे यहाँ बरेली में 6 वार्ड में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट रोड्स और 25 किलोमीटर में एडवांस्ड रोड लाने हैं, जिसमें पेमेंट स्ट्रीट लाइट्स और सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था, फॉर डिफरेंटली एबल्ड उनके लिए व्यवस्था और यूटिलिटीज के लिए डक्ट्स, उनकी व्यवस्था करते हुए 25 किलोमीटर सड़क ला रहे हैं।